मेरे प्यारे बच्चे, सभी ठीक है ना? अच्छा, सब पढ़ा? अच्छी तरह पढ़ा है ना? या आज हम द्वितीय पाठ के बारे में सीखेंगे। ये पाठ समाप्त हो गई, उसके बाद कुछ अभ्यास भी है, इसके बारे में हम पढ़े। उसके पहले मैंने एक प्रश्न पूछा, भारत के ऋतुएं किस प्रकार के, कैसा, कितना, चक, उसके बारे में कहिए, कौन कौन है, क्या क्या है, चक ऋतुएं हैं उसके बारे में कहिए, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ओके, समझा? बसंत ऋतु कौन है? बसंत ऋतु ऋतुराज कहते हैं। बसंत ऋतु को अगला नाम क्या है? ऋतुराज, मैंने किंग ऑफ सीजन। ओके, उसके पहले पुस्तक लीजिए, पेज 12 लीजिए। उसके पहले पहला शब्दार्थ अपने नोटबुक में इस प्रकार लिखेंगे, शब्दार्थ, उसका सभी शब्दों का अर्थ लिखे। उसके बाद सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, इट्स फॉर होमवर्क। देन नेक्स्ट, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, माने फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन और विद करेक्ट वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। पाठ के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3, 4 क्रम से लिखा, इसी प्रकार के क्रमबद्ध करके लिखिए। ए सम गिवन सम सेंटेंसेस, दी सेंटेंसेस आर इन ए डिसऑर्डर, इन ए डिसऑर्डर वे यू हैव टू मेक एन ऑर्डर, समझा? यही फॉर गृह कार्य है, गृह कार्य माने क्या है? होमवर्क। देन आफ्टर दैट आई गिव द आंसर ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दी 3 section answer and write it. Okay. And next, तेरह पेज नंबर 13, उसके बारे में एकम एक चित्र भी था, समझा? चित्र में बगीचा, माली, लटका, चूला, गिलखरी, आम, टोकरे, देन तितली, हंसी, लड़की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? संज्ञा। संज्ञा माने क्या है? संज्ञा नाउन, अंग्रेजी में नाउन, हिंदी में पिछले कक्षा में हम पढ़ेंगे, हम पढ़े, समझा? इसके बारे में याद करेंगे, या इसके संज्ञा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थल का नाम है संज्ञा। ओके, ये दिए ये सभी शब्द संज्ञा है। ओके, संज्ञा के बारे में हम अधिक हम पढ़े। ओके, देन इस पाठांश से, पाठांश को पढ़िए और इसमें से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए, माने क्या है? रीड द पैसेज एंड फाइंड आउट द वर्ड ऑफ नाउन। आओ आदमी उड़ा और बच्चों के साथ खेले, खेलने लगा, उसने बची हुई दीवार को फिर अपने खातों से गिरा दिया, जिससे उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रखे और बगीचा भल भूलों से सदा फरा रखे। इसमें संज्ञा शब्द क्या क्या है समझ पढ़िए। वो आदमी उड़ा, वो आदमी, आदमी माने क्या है? मालिक, आदमी माने एक पर्सन, आदमी, आदमी संज्ञा। भगवान लिखिए, और बच्चों के साथ खेलने लगे, कुटिकोपम कलचु, ओह आत्मी आ व्यक्ति कुटिकोपम कलचु, एहाम आत्मी संज्ञा, समझा? या एहाम बच्चे, समझा कहने संज्ञा कहना, या संज्ञा। उसने बची हुई दीवार कॉफी अपने खातों से गिरा दिया, बची हुई दीवारों से, दीवार माने क्या है? वॉल, इज इट, इसका
इसमें वस्तु का नाम है, ये वस्तु का नाम है दीवार, ये संज्ञा है दीवार संज्ञा। अपनी खातों से, खात माने हैंड्स, हाथ माने हाथ मा क्या है, ये संज्ञा शब्द है। इसके वस्तु का और गिरा दिया, जिससे उसके बगीचे में, बगीचा माने गार्डन, इसका वस्तु का नाम है आया बगीचा संज्ञा शब्द, बच्चा संज्ञा शब्द, हंसी भाव इसे भाव संज्ञा, भावार्थ संज्ञा हे हंसी संज्ञा, गूंजती रहे और बगीचा, अगला बगीचा संज्ञा शब्द, बलबूल माने फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के ये संज्ञा शब्द, ये इसी संज्ञा शब्द से। एक बार पढ़िए, आत्मी संज्ञा, बच्चे संज्ञा, दीवार संज्ञा, हाथों संज्ञा, देन बगीचा संज्ञा, बच्चा संज्ञा, हंसी संज्ञा शब्द है, अगेन बगीचा संज्ञा शब्द है, फल फूल संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार का संज्ञा शब्द आपने इसमें लिखिए। ओके, अगला क्या है, हिंदी में अनुवाद कीजिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। द गार्डन इज वेरी ब्यूटीफुल, द गार्डन माने क्या है, बगीचा। इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी माने बहुत ब्यूटीफुल सुंदर, अपो बगीचा बहुत सुंदर है, समझा। अगला, द वे योर स्कूल वॉज नियर द गार्डन, अपो द वे योर स्कूल वॉज नियर द गार्डन। അപ്പോൾ ഗാർഡൻ നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അംഗ്രേസിയിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അവസാനം നിന്ന് ആദ്യത്തിലേക്ക് തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിയർ ദി ഗാർഡൻ വാസ് ദ വേ ഓഫ് സ്കൂൾ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം. അപ്പോൾ നിയർ ദ ഗാർഡൻ എന്തെഴുതും, ബഹീച്ചേക്കെ പാസ്. എന്തുണ്ട്, എന്തുണ്ട് ബഗീച്ചയ്ക്ക് പാസ്, സ്കൂളുണ്ട് അല്ലേ, ബഗീച്ചയ്ക്ക് പാസ്, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബഗീച്ചയ്ക്ക് പാസ്, പാഠശാല, ജാനേക്ക, രാസ്ത, ഥ, വോസ് വന്നതുകൊണ്ട് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ഈസ് ആയാഹേത്തോ എ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മീൻസ് വർത്തമാനക്കാൽ, ഏക്കാകെ വോസ് ആയാഹേത്തോ ഭൂതകാൽ. ഓക്കെ, യാസ്ക പാഠഭാഗ പഠനക്ക് ബാദ് മായും ഏക്കാൽക്ക് ബാരേമേയും പഠിയെങ്കിൽ ഓ സിക്ക. ദ വേ ഓഫ് സ്കൂൾ വോസ് നിയർ ദ ഗാർഡൻ, നിയർ ദ ഗാർഡൻ വോസ് ദ വേ ഓഫ് സ്കൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബഹീച്ചയ്ക്ക് പാസ്, പാഠശാല ജാനേക്ക, രാസ്ത ഥ. अगला क्या है, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो. ओके, और कौन हो तुम, कौन हो तुम, हु आर यू, कौन हो तुम, उसके बकम यू हैव टू राइट देयर. ओके, कौन हो तुम और तुम कौन है, तुम कौन हो. नेक्स्ट ईयर द स्प्रिंग डिडंट केम टू दैट गार्डन, केम next year, didn't came to that garden that spring time ennu eluthan ingane eluthum. next year agale sal, agale sal, adutha varsham poonthottathil spring season vannilla, ingane eluthum agale adutha varsham, agale sal, next year പൂന്തോട്ടത്തിൽ ബഹീച്ചേമേ സ്പ്രിംഗ് വന്നില്ല. സ്പ്രിംഗ് മാനെ ബഹാർ, ബഹാർ നഹീം ആയി. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദ സ്പ്രിംഗ് ടൈം ഡിഡ് ഇൻ മീൻസ് ഡിഡ് നോട്ട് എ ഭൂതകാലക്കായേക്ക് വോക്കിയ ഹേ ഇറ്റ്സ് എ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഹേ. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വന്നു, ആയി, ആത്താഹേ, ആത്താഹേ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ആയ, ആയി പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ആയെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്, സമച്ച.
नेक्स्ट ईयर अगले साल गार्डन में बगीचे में स्प्रिंग सीजन वनिल्ला बहार नहीं आई. अब एक बार अगले साल बगीचे में बहार नहीं आई. समझे सभी को? ओके, इसके बारे में मैं कुछ पांच और दस वाक्य अंग्रेजी में देंगे दे दूंगी, आपके हिंदी में अनुवाद कीजिए. ओके, या अगला क्या है? विलोम शब्द ओपोजिट माने सुंदर, ब्यूटीफुल माने असुंदर. देन माली मालिकिन, विशाल संकुचित. विशाल माने ब्रॉड माइंड, विशाल ब्रॉड विशाल माया. देन संकुचित नैरो. देन आगमन गमन, पक्की मीन्स हार्ड, कच्ची सॉफ्ट, प्रसन्न हैप्पी अप्रसन्न. देन वंस मोर, वन मोर थिंग, मोटा तिक्क पतला स्लिम. ओके, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट देयर. देन वंस मोर, सुंदर असुंदर, मालिक मालिकिन, विशाल संकुचित, आगमन गमन, पक्की कच्ची, प्रसन्न अप्रसन्न, मोटा दुबला, मोटा देन दुबला. ओके, देन सुलेख माने राइट, यू हैव टू कॉपी दैट वन लाइन ऑल्सो. श्रुतलेख डिक्टेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स. द पेरेंट्स शुड कंडक्ट द डिफिकल्ट वर्ड्स लाइक डिक्टेशन इन द बैक साइड ऑफ योर हिंदी नोटबुक. ओके, अगला पेज लीजिए, ले लो अगला पेज ले लो. उसके आपके बारे में चार्ट पर वसंत ऋतु के मनमोहक बगीचे का एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए. नीचे उसके बारे में कुछ वाक्य सुंदर अक्षरों में लिखिए. चार्ट पर वसंत ऋतु के मेक ए कलरफुल ड्राइंग ऑफ ए अट्रैक्टिव गार्डन ऑफ स्प्रिंग. സ്പ്രിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള, സ്പ്രിംഗ് സീസണിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഡ്രോയിങ്, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഫ്യൂ സെൻറ്റൻസസ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇതിനെ ഉസ്കെ ബാരേമേ അപ്നെ ഫ്യൂ കുച്ച് ശബ്ദ കുച്ച് വാക്യ ഫി ലിഖേ ലിഖ ലിഖേങ്കേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, उसके आपका मनमोहक बगीचे के बारे में, वसंत का वसंत ऋतु के बारे में आपने एक ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ इट एंड उसके बारे में कुछ वाक्य एटलीस्ट पांच वाक्य भी उसके नीचे लिखेंगे. ओके, देन अगला क्या है? दीज आर द एक्टिविटीज फॉर यू. देन वसंत ऋतु की चर्चा करते हुए अपने मित्र से बातचीत कीजिए. यू हैव टू मेक ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू friends. Okay, you and your friends make a conversation. So, you and your father or mother are the one person for making a conversation. Okay? Then, baatcheet ko sambhadi roop mein likhiye. Can you write a conversation? Can you write a conversation? Both the two person are talking with that. उसके बारे में, वसंत ऋतु के बारे में, उसका टॉपिक क्या है? वसंत ऋतु. वसंत ऋतु के बारे में आप और आपने मित्र के बारे में एक बातचीत करें. ओके, यू हैव टू राइट ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड यूर फ्रेंड और यू कैन यूज यूर फादर और मदर फॉर द वन पर्सन. ओके, या देन अगला क्या है? इट्स ए ब्यूटिफुल सम poem is there. Is kavita ko you have to make a sound. Okay, kavita ko gaiye, you should sing a song and isme do teen panktiyan swayam jodiye, uske bare mein char panktiyan for you. So you have to read it, read it many times, you have to read it and you should complete the four line in your imagination. Okay, kalpana karke likhiye. കൽപ്പന മാനെ, കൽപ്പന ഇമാജിനേഷൻ. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി പോയം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് മെയ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഓൾസോ യു മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇസിക പ്രകാർക്ക് ഏക ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ് പോയം. യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ പിക്ചർ ഹിയർ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിക്ചർ വിത്ത് കളേഴ്സ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് പോയം.
So you have three activities. You should write in the back side of your notebook. Okay, these are the assignment for you. First, चार्ट पर एक वसंत ऋतु के मनमोहक बगीचे के एक चित्र बनाकर उसके बारे में पांच वाक्य लेकर उसमें एक इन द राइट द बैक साइड ऑफ योर नोटबुक. अगला क्या है, उसके बातचीत माने कॉन्वर्सेशन. यू हैव टू मेक द कॉन्वर्सेशन. इट्स ऑल्सो राइट द बैक साइड ऑफ टू असाइनमेंट फॉर यू. एंड अगला थर्ड वन फॉर यू, यू हैव टू कंप्लीट द फोर पंक्तियाँ. Okay, and on the base of this poem, you have to draw a beautiful picture here. Okay, or three activities for you. Okay, after making, you should send to my WhatsApp. Now I give it. This is an assignment. Okay, then this part do samapt ho gayi. Aapke baare mein koi sandeh hai to mujhe call karo. Sabhi theek hai na? अपने अपने घर में बैठकर इसी ये सभी पढ़ी अच्छी तरह पढ़े. ओके, पढ़ेंगे और गाएंगे और नाचेंगे. अगला वर्क का एक्सपीरियंस फी दे दूंगी. ओके, धन्यवाद.